हेलो गाइस, क्या हाल है गाइस। तो गाइस आज हम बना रहे हैं अंडा, ठीक है। और बाकी डोंडे लेके आया था मैं, और ये प्याज है और ये शिमला मिर्च है, ठीक है। तो पहले इसको हम कट कर लेते हैं अंडे को। अंडे को कट करते हैं पहले तो आराम से। तो गाइस आप भी एक बार ट्राई करना है इस अंडा बनाने से कैसा लगता है, ठीक है। और बाकी मैंने तो शिमला मिर्च लिया था और प्याज लिया था, मैंने आपको बता दिया था। तो सो गाइस हरी मिर्च भी डाली थी इसके अंदर, बोलना भूल गया था मैं, ठीक है। तो हो गया अपना काम, इसको पहले मिक्स करते हैं आप। और बाकी नमक डाल दिया मैंने इसमें, नमक नहीं डाला अभी। नमक डाल दिया हमने इसमें थोड़ा सा बस, और बाकी और कुछ डालना है इसमें बस। तवा गर्म करना है, हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हम इसको। सो गाइस मुझे बहुत अंडा, मतलब यही तो एक सस्ती डाइट है जो हम मतलब जो खा सकते हैं। अंडा तो 5-6 रुपए का ही आता है, तो यही ज़्यादातर मैं खा रहा होता हूँ, क्योंकि बस इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ें ज़्यादातर खा रहा हूँ, केले, दूध, दही, अंडे, ज़्यादातर यही खाता हूँ। बाकी कभी कभी लगता है अंडे अजीब से आ रहे हैं कभी बुरे से, लेकिन तब भी भाई खाने पड़ते हैं ये अंडे, अंडे के बिना कुछ नहीं है। बहुत है तो हमने तेल इतना बहुत कर दिया, अब मैं गिलास को थोड़ा सा और मिक्स कर लेता हूँ। तो सो गाइस अगर हम मतलब तेल जब तक गर्म नहीं होता, अगर गर्म नहीं होगा तो मतलब जो हमारा ये अंडा वो कच्चा कच्चा रह जाता, तो मज़ा नहीं आता खाने में, तो उल्टी जैसा फील होता फिर। तो उससे बढ़िया हम तेल गर्म कर देते हैं, जब तक इसके अंदर धुआं नहीं निकलेगा ना तब तक हम डालेंगे। धुआं निकल रहा देखो हल्का हल्का, मज़ा आने वाला है गाइस। आप भी बताना आपको कैसा अंडा लगता है, ठीक है। और आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे करके बनाते हैं, हम भी वो ट्राई करेंगे। अंडा ना जल जाए तो हम थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे तेल को, हाँ। तो फिर अंडा जल गया तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, होते हैं। ये चला गया अंडा, तो सो गाइस कलर देख रहे हो कितना खतरनाक आ रहा है, एकदम मज़ेदार। आपको कैसा लग रहा है अंडा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो गया अपना काली, बाकी अब तक बनता है, थोड़ा वेट करते हैं बनने में। अब तक लो आंच पे रखेंगे ताकि अंडा नीचे से जले ना, अंडा जल गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो शिमला मिर्च ये मेरी फेवरेट है, मैं मतलब जो भी कुछ खाना खाता तो शिमला मिर्च मतलब टेस्ट हो जाता है, जो भी जिसके अंदर भी आप डालते हो खाना, बस यही है। और प्याज से तो मैं पता हर चीज़ में डलती है, सब्जी में, तेल में, किसी चीज़ में भी, ठीक है। अब तक तक बन जाए, थोड़ा उस पर कर देते हैं, कम कर देते हैं, बस हो गया। तो सो गाइस एक और बात, जो लोग मेरी वीडियो स्किप कर देते हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग मतलब ये पुशअप के बारे में, जो लोग बिगिनर होते हैं वो सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं कि कभी हाथ ऊपर जा रहा होता है, कभी पैर नीचे आ रहा होता है, कभी चेस्ट ज़्यादा भार होती है, ज़्यादातर लोड हमारे उल्टे सीधे शरीर पर जा रहा होता है। तो हमेशा मतलब जो आगे वाला आपका फ्रेंड है कोई भी हो, तो आप उनको बोल दिया करो कि मैं पुशअप सही से मारा, मेरा परफेक्ट पोजिशन है कि नहीं है। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप दूसरे को साइड में अपने खड़े कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो मैं सही से पुशअप मार रहा हूँ या नहीं मार रहा। गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करा करो, इस तरह की टिप्स तुम्हारा भाई देते रहेगा। तो अगर ऐसे टिप्स अगर लेनी है आपको तो नेक्स्ट वीडियो में भी दोबारा तुम्हारा भाई लेके आने वाला है। कच्चे आँच में पका रहा हूँ, अगर मैं कच्चे आँच में नहीं पकाता, अगर मैं फुल आँच पे रखता तो अंडा शायद जल भी सकता था, तो मैं इसलिए कच्चे आँच में पका रहा था, शायद ये मतलब अच्छे तरीके से पीछे तरह पलट जाए। तो सो गाइस अभी से हम पलट देते हैं, ठीक है। कितना खतरनाक आ रहा है, देख रहे हो कलर पलट दिया भाई साहब, मज़ा आ जाएगा भाई खाने में। किस किस को खाना है बताना मुझे भी। तो सो गाइस अंडा बनाने की टिप्स ये, अगर आप कभी भी अंडा बना रहे हो तो धीमी आंच पे बनाना ताकि पलटने में आसानी हो। तो सो गाइस बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से एक बार पलट देते हैं ऐसे ही। तो अब एक बार ये हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। हाथ चल गया भाई साहब, लेकिन खतरनाक अंडा बना। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।